वेलकम टू डिस्कॉर्ड टर्न फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विनोद आज आपके लिए लेके आया हूँ एमएस एक्सेल की बेसिक क्लास। आपने मेरे पुराने वीडियोस अगर देखे होंगे तो मैंने थोड़े एडवांस लेवल की वीडियोस पोस्ट कर रखी है वहाँ पे। बट जैसे कि मेरा चैनल फेसबुक पे भी है, आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, सो मुझे ढेर सारे मैसेजेस आए स्टेटिंग दैट दे वॉन्ट टू लर्न यू नो एक्सेल, बेसिक लेवल से एक्सेल सीखना है, राइट? जो कि किसी को पता नहीं रहता, राइट, एक्जैक्टली एक्सेल कहाँ पर यूज़ होता है। तो इसलिए मैं लेके आया हूँ एक्सेल का नया कंसेप्ट, जहाँ पे हम कवर करेंगे सब चीज़ें जो कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? एंड देन व्हाट इज़ द स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में टोटल कितने यू नो कॉलम्स है, कितने रोज है, हमें वो देखना है यहाँ पे। वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। सो बने रहिए मेरे साथ डिस्कॉर्ड टैलेंट्स में। ऑलराइट, वेलकम बैक दोस्तों। सो दिस इज़ द बेसिकली एक्सेल विच वी कॉल्ड, और हम यहाँ पे ट्रेनिंग जो कवर करने वाले हैं। सो ये क्या होता है एग्जैक्टली और हम यहाँ पे इसका कैसे यूज़ करने वाले हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? सो ये एक्सेल अगर आपको पता होगा, राइट, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर हम कहते हैं इसे, ठीक है? तो बेसिकली इट्स डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट ओनली, ठीक है? एंड देन अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने कुछ डेटा कलेक्ट कर रखा था जो कि विकीपीडिया से कवर कर रखा है मैंने डेटा, राइट? सो स्प्रेडशीट इज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज, मैकओएस, एंड्रॉयड एंड आईओएस। इसके लिए स्प्रेडशीट जो है क्रिएट कर रखी थी। अगर आपका इसके लिंक चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके रेफर कर सकते हो। सो बेसिकली ये क्या है एक्सेल, आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर कर रखी है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, राइट? स्प्रेडशीट्स तो है बट उसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। सो थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ प्रॉपर वे में, राइट? थोड़ा जूम कर देता हूँ। It features calculation, graphing tools, graphing tools, PO tables, and macro programming languages called Visual Basics. ठीक है? Again, the source मेरा Wikipedia से है, Google से मैंने ये सब data ले लिया है। So basically, calculations के लिए use होता है majority of the industries जो है, ठीक है, small से लेके जो MNCs रहती है, right? वहाँ पे ये data use होता है। बैक ऑफिस के लिए, इवन MIS के लिए, ये सब कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है? सो अगर आप फार्मूलाज देखोगे यहाँ पे, फार्मूलाज वास्ट रहते हैं अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हो तो, लेकिन मैं बेसिक से कवर कर रहा हूँ ताकि एक बार आप सीख जाओ तो आप आपके एंड से आगे शुरू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? अगर यहाँ पे मैं आपको एक बार बताने चल वाला हूँ, वंस यू कंप्लीटेड दिस कोर्स, ठीक है, मैं आपको एक क्विज दूंगा। अगर आप वो क्विज पास हो जाते हो, पर्टिकुलर स्कोरिंग करते हो, तो आपको सर्टिफिकेट आपके ईमेल आईडी पे मिल जाएगी। तो वो कैसे अर्न करना है, वो सब चीज़ें आपको मैं इस पूरे ट्यूटोरियल वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? सो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? एक्सेल को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, दिस इज द बेसिक लोगो एक्सेल का, ठीक है? ये वर्जन वाइज डिपेंड रहता है। अब वर्जन क्या होते हैं एक्सेल के, तो वो है वर्जन, राइट? 1987 में कुछ 2.10 आया था, राइट? 2.3.0 एंड देन दिस इज द थिंग। अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो ये वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं आपको ट्रेनिंग पूरा सिखाने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज में यू नो ये ऑफिस 365 यूज़ होता है, ठीक है? एंड दिस आर दी वर्जन्स। अब इसका यूज़ जो था 1987 में जो बनाया था एक्सेल, उसको बाद में बंद क्यों किया, या फिर अब यू यूज़ क्यों नहीं हो रहा है, या फिर क्या फीचर्स उसमें कम पड़ गए थे, ठीक है? वो सब चीज़ें मैंने एक्सेल की यू नो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जहाँ पे वहाँ पे जाके वहाँ पे यू नो चेक कर सकते हो। एंड देन इस शीट में मैं आपको बताऊँगा टोटल कॉलम्स कितनी होती है एंड देन रोज कितनी होती है। ये जो आप देख रहे हो, ये दिस इज दी कॉलम्स जो वर्टिकल है वो, एंड देन हॉरिजॉन्टल दिस आर द लाइंस, दिस इज कॉल्ड रोज, ठीक है? सो ये मैं कंट्रोल प्रेस करके डाउन लेफ्ट एरो राइट एरो दे रहा हूँ, विच इज XFD, मुझे ये शो कर रहा है, ठीक है? वन के अंदर ये XFD एंड देन कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ, XFD एंड देन दिस इज द थिंग। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ आपको वैल्यू दे रहा है, करेक्ट? सो मैं वापस, टोटल हमें एक शीट में उतनी
वैल्यूज मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिक सी चीज होती है। अभी एक्सेल पे आपको ओपन करना है, राइट, तो स्टार्ट्स में जाके हम लोग यहाँ पे क्लिक करके एक्सेल ओपन करते हैं। एंड देन सेकेंड स्टेप, आप यहाँ से डायरेक्टली टाइप करके भी ओपन कर सकते हो, करेक्ट। अगर आप चाहिए तो इसे राइट क्लिक मार के डेस्कटॉप पे क्रिएट शॉर्टकट करके वो भी कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द थर्ड टिप स्टेप। एंड द फोर्थ स्टेप इज राइट क्लिक करके आप इसे शॉर्टकट क्लियर करके देन यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, ये ओपन होगा, राइट, सिंपल वे। सो फोर सिंपल स्टेप्स टू ओपन द एक्सेल। ठीक है दोस्तों, याद रखिए ये सब क्वेश्चंस मैं शायद से आपको एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल के बाद में मैं आपको एक क्विज दूंगा जहां पे आप सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हो वंस यू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर क्विज। ठीक है, अगर आप न्यू हो इस चैनल में तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो आप कर सकते हैं, करेक्ट। सो ये स्टेटस बार है, इसे स्टेटस बार कहा जाता है, ये जो डाउन में दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, दिस इज द स्टेटस बार बेसिकली। यहाँ पे ये आप जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, करेक्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ स्टेटस है वो आपको शो करेगा। अगर मैं सपोज यू नो वैल्यू कुछ ऐड कर रहा हूँ 89 एंड देन 909, करेक्ट, इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ खाली, तो ये मुझे कुछ इस तरह से टोटल एवरेज उसका पूरा निकाल के दे देगा। ये कंप्लीट हमारे ऊपर है दोस्तों, हमें क्या वैल्यू शो करनी है यहाँ पे, ये सब राइट क्लिक अगर आप प्रेस करोगे यहाँ पे तो आपको शो होगी, अदरवाइज आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो, सिंपल। सो दिस इज द स्टेटस बार। देन इसे हम कहेंगे शीट, इसे वन बाय वन आप ऐड कर सकते हो इस प्रकार, करेक्ट। यहाँ पे राइट क्लिक मारोगे आप तो इंसर्ट, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अपकमिंग ट्यूटोरियल में कवर कर दूंगा, ठीक है, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी आपको अभी बताने के लिए, तो इसलिए मैं ये नेक्स्ट वीडियो में ट्यूटोरियल में कवर कर दूंगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे होगा फार्मूला बार, यहाँ पे मैं अगर फार्मूला कुछ मुझे टाइप करना है तो मैं यहाँ से इज इक्वल टू प्रेस करके SUM विच इज कॉल्ड कैलकुलेशन फॉर सम, जो कि हम एडिशन करते हैं, ये कुछ इस तरह से मुझे सम आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड फार्मूला बार। ये कुछ मेनू सेक्शन है दोस्तों, जो मेनू सेक्शन हमें बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, जो कि हम मैंने जैसे कि आपको बताया था जिस प्रकार जो ग्राफिक्स होते हैं, राइट, टेबल्स ऐड करनी है या फिर हमें कुछ प्योर टेबल क्रिएट करना है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ से यूज होगी। एंड देन हमें अगर कुछ पर्टिकुलर शीट के बारे में यू नो प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंटिंग लेना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, खाली हमें ध्यान थोड़ा देना है शुरुआत में, एंड देन पोज दैट यू विल बी प्रो इन इट, दैट्स फॉर श्योर, दैट्स माई गारंटी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये ट्यूटोरियल वन था, ट्यूटोरियल टू मैंने वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्द ही, आप ट्यूटोरियल टू देखने के लिए मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सो और हाँ, वापस एक बार मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, वंस वी कंप्लीटेड ऑल दिस फील्ड, ठीक है, मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा जहाँ पे आपको खाली क्विज सॉल्व करना है। वंस यू कंप्लीट दैट क्विज विथ यू नो पर्टिकुलर स्कोर और परसेंटेज, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा मेरी तरफ से, वो आप सर्टिफिकेट कहीं पे भी यूज कर सकते हो आपके ऑफिस वर्क के लिए। तो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन दिस विल बी हेल्पफुल टू नो अपस्किल योरसेल्फ। थैंक्स।